गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं अल्कट्रेस गेमिंग एसटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में या फिर आपने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि यार आज मैंने बहुत दिनों के बाद मेरे को मॉर्टल के साथ खेलने का मौका मिला। इसके आप देख सकते हैं यार, वो मेरे सामने से ही थोड़ी देर पहले दौड़ गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो मॉर्टल है। एक्चुअली वो बहुत फास्ट हो तो मेरे को दिखाई समझ नहीं आया जो मॉर्टल है, तो फिर मैं उसको ढूंढने के हड़बड़ाहट में कि यार चलो कहाँ है कहाँ है यार, देखना यार मॉर्टल को। मैं इसका भी बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, इसके गेम प्ले फैबुलस होते हैं यार, मेरे को उसको देखना था। तो यार मैं फुल स्पीड में दौड़ा दौड़ा, फिर मेरे को दिखा कि यार उधर भीड़ जमी है, तो मेरे को समझ में आ गया कि यार उधर शायद से मॉर्टल होगा। मैं भी उधर गया फुल स्पीड में दौड़ के और मैं देखा कि हाँ यार इधर मॉर्टल है, मेरे को दिख गया यार ये। मैं हाई कर रहा था जो भी हो, वो हुआ नहीं सही से, अब मेरे सामने खुद है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग का गेम शुरू हो गया। ये देखिए मॉर्टल भाई है, ये कोई फेक वीडियो नहीं, सही में मॉर्टल भाई ने एक्चुअली कस्टम रूम क्रिएट किए थे, तो मैंने तुरंत उसमें ज्वाइन करके इस वीडियो को क्रिएट किया। तो फिर हमारे रैंडम बंदे थे ये लोग, हम लोग सभी फिर उधर उतरने का सोचे जिस जगह पर मैंने नंबर वन को फॉलो किया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इस कोने में उतर रहे थे बूट कैंप के, और ये रूल था कि सारे बूट कैंप में उतरेंगे। और ये जो चार बंदे सामने हैं, फर्स्ट वाला बंदा मॉर्टल था एक्चुअली। आप देख सकते हैं, ये देखिए हम वो जो पीछे चार थे वो हम लोग थे, और ये देखिए फर्स्ट बंदा ये मॉर्टल है। ये देखिए सारे के सारे बंदे भी बूट कैंप में उतर रहे हैं, क्योंकि ये बूट कैंप में ही सभी को खेलना था। तो अब मॉर्टल हमारे पास उतरा था, वो एक एक करके सभी को क्लियर कर रहा था, और मैं इतने खुशी में मतलब इतना पागल हो रहा था। एक तो गन नहीं मिला कुछ भी मेरे को, एकदम एक भी गन नहीं मिला। और मतलब मैं पता नहीं क्या कर रहा था, दरवाज़ा खोल रहा था, खुल नहीं रहा था, क्या सब कर रहा था पता नहीं। वो देखिए मॉर्टल उतर के उधर उन लोग वो मारना शुरू भी कर रहे थे सभी को, उन्होंने मेरे एक बंदे को भी नॉकआउट कर दिया था उन्होंने। तो अब देखिए मेरे सामने से मॉर्टल गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर उन्होंने मेरे को पीछे से मार दिया, जो भी हो ठीक है। फिर देखिए मैं किस तरह से मारा हूँ, ये देखिए मैं पागलों की तरह भागे जा रहा था, उन्होंने मेरे को मार दिया, बढ़िया मारा यार, मतलब उनका लेवल ही अलग है। फिर मैंने सोचा यार चलो उनको थोड़ा फॉलो किया जाए कि वो जा कहाँ रहे हैं, तो मैंने देखा कि वो मेरे सामने से जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार जब तक मेरा रिवाइव थोड़ा सा भी हेल्थ बाकी है मैं जाऊँगा यार उनके पीछे। तो मैंने देखा यार क्या हो गया, ये अचानक से किसने मतलब मॉर्टल भाई को नॉकआउट कर दिया, वो भी किसने, हमारे बंदे ने उसको नॉकआउट कर दिया। तो सही में बोला, तो एक्चुअली हुआ क्या था जो मैंने देखा, सॉरी गाइज ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गंदी, इसको मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया अलग से। एक्चुअली हुआ यह था, मॉर्टल भाई इसको मारने गया था और उनके पास उजी थी बोल के ही नॉकआउट नहीं कर पाया, और उसने M4 से उसको नॉकआउट कर दिया और भाई को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। और गाइज लास्ट में आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये सही में मेरे लिए बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था यार। इस चीज़ को देखो यार, आपको भी शायद से मेरी खुशी समझ में आए, और यार बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ यार। थैंक्स गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू गाइस, आप सभी खुश हैं ना यार, मतलब थैंक यू यार, मैं अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ।